इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसने फॉरवर्ड के हिसाब से बैकवर्ड का पूछा हो, फिर ऐसे भी कुछ हाँ आ बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल, क्विज़ में। ऐसे पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं जिसमें रिएक्शन की फॉरवर्ड सेंस के को डिस्कस करके फिर बैकवर्ड के बारे में पूछा हुआ है, पार्ट क्वेश्चन या सब पार्ट क्वेश्चन के अंदर, या स्टेप बाय स्टेप पहले फॉरवर्ड के बारे में पूछा, फिजिबिलिटी, फिर बैकवर्ड के बारे में पूछिए। इन दैट केस वो बड़ा क्लियर होगा, स्टेटमेंट ऐसी होगी कि आपको ये बात समझ आती हो, तो हाँ हम ऐसा कह सकते हैं। बट दैट वुड ओनली हैपन इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड सर ये भी डिस्कशन जो होती रिडॉक्स है, ही हैं। हाँ, मैं उसी तरह से अपनी बात को पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दैट वुड हैपन इन केस ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें एक सिनेरियो ना डिस्कस हो रहा हो, नंबर वन। नंबर टू, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एज आई जस्ट सेड, ठीक है। जी अब देखें इस क्वेश्चन के अगर आप पहला स्टेप देखेंगे, चूंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, यानी इतनी छोटी सी स्टेटमेंट है कि फॉरवर्ड के अलावा उसने कुछ पूछा ही नहीं हुआ, इसलिए वो उसे इरिवर्सिबल कहते कर रहा है। स्टेप टू में दो हाफ इक्वेशंस बना रहा है और फिर उन्हें कोट कर रहा है। स्टेप टू में भी जो दो जी हाफ इक्वेशंस बना रहा है वो इंडिविजुअल के लिए है, मतलब रिडक्शन की इक्वेशन अलहदा है, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन अलहदा है, यानी वो जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें हरगिज ये नहीं इससे अंदाजा होता कि आपके पास स्टेप वन की इक्वेशन रिवर्सिबल है या नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन की सेंस आपको ये बताती है कि क्वेश्चन जो है वो रिवर्सिबल ऑर्डर के हिसाब से नहीं पूछा हुआ, नंबर वन। नंबर टू, अगर पूछा होता तो फिर रिवर्सिबल के हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन भी जरूर होता। एज ही इज आस्किंग फ्रॉम जस्ट द इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड इक्वेशंस एंड ही नीड टू गो विद द सेम, ठीक है, और उतना ही आंसर दिया। अच्छा, ए लेवल्स में क्वेश्चन को आपने देखना है। अब मैं आपको यहाँ पर तीन तरह की चीजें बताने जा रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन की सेंस समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और समटाइम्स स्टूडेंट मिस्टेक जो होती है वो आंसर भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बच्चे को आंसर ना आता हो, बच्चे को आंसर जरूर आता होता है लेकिन वो क्वेश्चन सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, लिहाजा आंसर भी ठीक तरह से नहीं दे पाता, ठीक। एक वो क्वेश्चन जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड की सेंस पूछी होती है, बहुत आसान होती है उसकी इंटरप्रिटेशन कि आप उसमें सिर्फ फॉरवर्ड की सेंस देखें और बताएं। एक वो क्वेश्चन जिसमें सिर्फ रिवर्स की पूछी होती है और उसका भी पता चल जाता है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स कोई एक सेंस पूछना रिलेटिवली इजियर होता है जज करने में और बच्चे उमूमन उसका आंसर भी ठीक दे देते हैं। इनमें प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिनेरियो तो है लेकिन ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नहीं है। सेकेंड सिनेरियो पे आते हैं। सेकेंड सिनेरियो वो होता है जिसमें स्टेप वाइज पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन होते हैं, या एक ही क्वेश्चन के स्टेटमेंट के पहले हिस्से में फॉरवर्ड, दूसरे में रिवर्स, या वैसे वर्षा पहले में रिवर्स और दूसरे में फॉरवर्ड पूछा होता है। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नहीं है, बच्चे को अंदाजा हो जाता है और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरतीब से पहले जो सा भी फॉरवर्ड रिवर्स पूछा है वो बताकर फिर उससे अगले वाला एक्सप्लेन कर देते हैं, चाहे फिजिबिलिटी हो, चाहे ई नॉट वैल्यू हो, जो भी चीज उसने पूछी हो, ठीक है, उस पर बहस नहीं हो रही। तीसरा सिनेरियो जो कि एक्चुअली में एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होता है, वो होता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, पजलिंग क्वेश्चन, जिसमें बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा होता कि उसने फॉरवर्ड के बाद रिवर्स पूछने की कोशिश की है या नहीं की। पहले का आंसर करना बहुत आसान था, पहले सिनेरियो का, दूसरे का भी बहुत आसान होता है, खासतौर पर अगर अलग अलग पार्ट्स हो तो बहुत ही आसान होता है, या तीन चार लाइनें हो तो बच्चे को पता होता है पहले दो लाइनों में मैंने क्या और दूसरी दो में क्या लिखना है। तीसरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तीसरे सिनेरियो के मामले में हम स्टूडेंट को फिर कहते हैं कि वो हिंट्स पिक करें, क्या क्वेश्चन से कोई एग्जैक्ट हिंट निकलती है कि उसने दोनों सिनेरियोस पूछे हुए, नंबर वन। नंबर टू, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। नंबर थ्री, मार्क्स कितने हैं। ज्यादा लाइन ज्यादा मार्क्स के केस में हो सकता है कि अगर आप क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर रहे हैं तो आप दोनों सिनेरियोस हो सकता है उसने पूछे हो, और अगर नहीं भी पूछे तो एटलीस्ट आपके पास राइटिंग स्पेस इतनी है कि आप दोनों का आंसर दे सके, तो हम बच्चे को कहते हैं कि आप सेफ साइड पे रह कर आए और दोनों का आंसर लिख कर आए, ठीक है। लेकिन अगर मार्क्स या लाइन इतनी नहीं है तो अपने आंसर को कंसाइज करके सिर्फ वो एक बात कर ले जो आपके ख्याल में उसने पूछी हुई है, ठीक है। इस तरह तीनों सिनेरियोस केटर हो जाते हैं, अगर इसमें से कोई सिनेरियो क्लियर ना हुआ तो पूछ लें, नहीं सर, क्लियर हो गया ठीक है। तो अब आपने A2 के जी। एग्जाम भी इसी तरह करने हैं। इट्स नोन एज एडवांस हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चंस। आपको पता होता है क्वेश्चन को एक नजर देखते ही आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपने उसे कैसे आंसर करना है,
अगर नहीं होता तो हम बच्चे को उमूमन ये रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए पॉज दें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, अब की मरतबा पहले से स्लो पढ़ें और पार्ट्स करके पढ़ें। पहले क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ें, सोचें उस पर, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उसका अगला पार्ट क्वेश्चन को 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, हर हर पार्ट को स्टडी करें, रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रेट करें और उन्हें फिर आपस में कनेक्ट करके, जैसे हम डॉट्स कनेक्ट करके कोई डायग्राम बनाते हैं, उस तरह से कनेक्ट करके सोचें कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं और मैंने क्या आंसर करना है। और अगर वो स्टिल कंफ्यूजिंग है तो गो फॉर द थर्ड सिनेरियो। कोशिश करें कि आप जितने कंसाइज तरीके से गिवन राइटिंग स्पेस में वो इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो आपको कंफ्यूजन में लगना पड़ रहा है कि आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है, मतलब आपको समझ नहीं आ रही है कि उसने कोई एक सिनेरियो पूछा या दोनों पूछे, तो आपको पास बस 2 लाइंस है और आपने किसी तरह 2 लाइंस के अंदर अंदर दोनों सिनेरियोज बता देने हैं, तो एक अच्छी राइटिंग पैटर्न चूज करें और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं। ये आप इसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया, और इसे इन्वॉल्व हैंडलिंग टेक्निक भी इसलिए कहते हैं कि इस लेवल, इस एज पर आप इस काबिल होते हैं क्वेश्चन को एक दफा पढ़ें और आपको आइडिया जो ना हो, ब्रेक इट आउट इन पार्ट्स, कनेक्ट द डॉट्स एंड गो विद द सिनेरियो व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क एंड व्हाट यू आर अबाउट टू आंसर, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड गो फॉर अ बिगर आंसर रिटन इन अ कंसाइज फॉर्म, एंड दिस कैन ओनली हैपन इन ड्यू टाइम विद ड्यू एफर्ट। अगर आपने पास्ट पेपर प्रैक्टिस करके ये एफर्ट की है कि आपने थोड़ी स्पेस में ज्यादा अच्छा और कंसाइज आंसर के लिए वर्ड चॉइस अपनी बेहतर बनाई है बार बार, तो वर्ड चॉइस बार बार बेहतर बनाने की प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है, पहले दिन पहले पेपर में वो ठीक नहीं होगी, ठीक है ना। सो इट रिक्वायर्स एफर्ट, डेफिनेटली इट डज। आई होप ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के सिनेरियो को बड़ा क्लियर कर देती है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, सारे चैप्टर्स के लिए, एज अ होल ए लेवल्स के लिए, क्योंकि ये आपको एक पूरा पैटर्न धरा देती है कि आपने हर उस क्वेश्चन या पार्ट क्वेश्चन पे जहां पटक रहे हैं आपने उसे कैसे करना है। और समटाइम्स अगर आपको फिर भी आंसर नहीं मिलता, यहाँ पर एक और बात क्लियर करता चलूं, एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप, ठीक है, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा कि आपको किस तरह से करना है, क्या करना है, तो हम समटाइम्स स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप क्वेश्चन छोड़ दें, आपका माइंड बार बार उसके लिए स्टक हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वहां पर कोई हिंट लिखना चाहें, तो पेंसिल से लिख लें और बड़ा लाइट सा लिखें, मतलब ए लेवल के स्टूडेंट को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब वो एक चीज को लिख रहा है परमानेंट फाइनल आंसर, तो उसने कैसे उसे लिखना है, और एक चीज को जब वो हिंट के तौर पे लिख रहा है कि वो इस पे दोबारा वापस आएगा एक या दो क्वेश्चंस के बाद, फिर कैसे लिखना है, ठीक है ना। उसे छोड़ दें और अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। जैसे ही अगला क्वेश्चन आप रीड करना शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ह्यूमन माइंड की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो पिछले को छोड़ के ना अगले सिनेरियो को सोचना शुरू कर देता है, तो पिछला सिनेरियो ना फौरी तौर पर आपके माइंड से ना रिमूव होता जाएगा ऐसा ऐसा, और जैसे ही आप वो क्वेश्चन खत्म करके दोबारा उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे जो आपने छोड़ा था, अगर आपने अपने लिए हिंट्स लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, आप एक फ्रेश तरीके से उसे करना शुरू करेंगे, एंड विद दैट फ्रेशनेस, ठीक है, और एक और क्वेश्चन को खत्म करके इस सिचुएशन के साथ वापस आना कि हाँ यार मैं तो 2 और क्वेश्चन भी इसके आगे थे, मैं वो कर चुका हूँ, मैं आराम से इस पे सोच चुका हूँ, विच गिव्स यू अ समवट रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन अ बेटर वे। तो ये एक और तरीका है, एग्जाम टिप है, कि आप उस क्वेश्चन को वहां पर छोड़ें, को हिंट लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहते बेशक ना लिखें, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, योर स्ट्रेटजी एंड द टाइम यू हैव लेफ्ट फॉर द पेपर, और फिर उसके बाद उसे दोबारा वापस आके एक फ्रेश माइंड से करें, ठीक है। दैट हेल्प्स विद मोस्ट ऑफ द पेपर्स एंड मोस्ट ऑफ द टेस्ट एज वेल, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये आगे आपने बहुत सारे टेस्ट भी देने, तो उसमें होगा टेस्ट में, अभी तो ये पेपर्स बड़े थ्योरेटिकल हैं और क्वेश्चन आपस में बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, टेस्ट में 100 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और सारे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, कोई कनेक्शन भी नहीं होता। वो जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं ना, जो आपने अभी कॉलेजेस के लिए देने, जिसके कोई 8-10 महीने रहते हैं, उसके बाद एक टेस्टों की लंबी कतार लग जाएगी, खासतौर पर 3 बच्चे मैथ्स के हैं क्लास में, तो आपके लिए तो बहुत लंबी कतार लगने वाली है, ठीक है, आपका एक टेस्ट तो होता नहीं है। मुझे याद है मैंने अपने टाइम में बैक इन 2001 की बात है, हाँ, तो उसमें मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 6 या 7 different टेस्ट दिए थे, तो आजकल का स्टूडेंट तो 10-12 टेस्ट बड़े आराम से कर लेता है, ठीक है। लेकिन सर एक अच्छी बात भी हो गई है कि उन्होंने स्टैंडर्ड जो बना दिया है SAT का और ये सब्जेक्ट टेस्ट, उसकी वजह से तो सर फिर कम हो गया ना काफी टेस्ट जिन कॉलेजेस ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इसको एज अ स्टैंडर्ड।
अच्छी बात है अगर ऐसा होना शुरू हो गया। ठीक है, सर काफी पाकिस्तानी कॉलेजेस ने एक्सेप्ट कर लिया, अब जिन्होंने नहीं किया फिर उसके लिए तो देने पड़ेंगे उनके अलग टेस्ट। हाँ मतलब लेकिन कि सर उसमें भी उन्होंने ये चालाकी की है, जैसे अब लम्स है फॉर एग्जांपल, तो उसने अपने उसमें लिख दिया है कि SAT अलग देना है और साथ 3 SAT डिफरेंट सब्जेक्ट टेस्ट अलग देने हैं, और अगर आप वो 3 टेस्ट नहीं दे सकते तो लम्स का अपना 1 टेस्ट देना है, तो अब कौन पागल 3 टेस्ट देगा उसको एक छोड़ के। हाँ वो यही किया जाता है, लेकिन उसकी भी रीजन है उनके 3 टेस्ट देने के लिए, उनके एंड पे भी रीजन ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहरहाल आप वो ना करें, सैट जनरल और 3 सब्जेक्ट सैट सब्जेक्ट्स की बजाय आप डायरेक्टली जो है वो सैट जन वो एल सैट भी कर सकते हैं, लम सैट जिसे कहते हैं। ठीक, जी तो बहरहाल लेकिन ये जो अभी टिप्स मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत सारी जी जगहों सर पे हेल्प करेंगी, नॉट जस्ट विद जी एग्जाम्स विद टेस्ट। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे और सिनेरियोस में लाइफ के भी ये हेल्पफुल होती है। ठीक, और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, वापस आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। जी सर पेज नंबर 279 पे है सर, ये इलेक्ट्रिकल आधा लेसन गुजार डबल दिया अब आए किस पर आ रहे हैं अब। पहले भी तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही पूछा था हाँ पूछे बेटा, पूछे पूछे, कोई नहीं। जी सर। सर ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है सर, ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, अभी मैं जितनी बताने जा रहा हूँ ये बात मैंने तब भी रिपीट की थी, मैं अब भी कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एक समवट ए लेवल से भी हायर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ए लेवल्स में से टच इसलिए किया जाता है ताकि आपको हायर लेवल के लिए बेस फॉर्म हो जाए। बिल्कुल जैसे IGCSE में एक बाउंड्री बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो फाइनल लास्ट बाउंड्री होती है और हम आप उसे सिर्फ जस्ट डिस्क्राइब करते हैं आपके लिए उतना है। पहले मैं एक कुछ चीजें उससे भी फिर भी एक्स्ट्रा पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी क्लियर करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। ठीक, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के लिए अगर हम समझें, डायग्राम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लें, इमेजिनेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लें, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊंगा इससे पहले ये आए। हम ये समझते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होते हैं वो जो कि हम मैयर नहीं कर सकते, डबल लेयर की फॉर्मेशन की वजह से। डबल लेयर का फॉर्म होती है जब एक एलिमेंट को प्लेस किया जाता है सोल्यूशन में उसके आइंस के। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जिंक को, हमने बारह मरतबा जिंक कॉपर के एग्जाम्पल्स लिए हैं। जिंक को अगर हम प्लेस करते हैं जिंक के आइंस के सोल्यूशन में, तो हमारे पास एक टाइनी नंबर जिंक एटम्स का सरफेस ऑफ मेटल पे कन्वर्ट होते हैं जिंक आइंस में और वो सोल्यूशन में चले जाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ जिंक एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पसंद करते हैं। तो आपके पास वो है कि ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है, लेट मी एनोटेट दैट फॉर यू, एक सेकेंड, हम ऐसा करते हैं हम इसके लिए स्पॉटलाइट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नोटिस करें, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होगी जिंक रॉड की, ये वो होंगे जो सबसे पहले आइंस के साथ इन कॉन्टेक्ट आएंगे। आइंस के साथ इन कॉन्टेक्ट ना भी आए, किसी नॉर्मल एटमोसफेयर में भी रखे जाए, तो बींग अ रिएक्टिव मेटल जिंक टेंड्स टू ऑक्सीडाइज। तो वो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, आइंस की फॉर्म में जाती है। क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है वो बाहर से एक्सपोज हो रहा है एक जिंक आइंस के सोल्यूशन में, तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जिंक आइंस बनेंगे वो सोल्यूशन के अंदर इस रॉड के बिल्कुल आसपास होंगे और फिर वो डिफ्यूज करेंगे बाकी सोल्यूशन में। अभी वो डिफ्यूज नहीं किए, अभी फौरी तौर पे जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो हम उसी मोमेंट पे अगर सिनेरियो को देखें तो सिनेरियो ये है कि जितने एटम्स थे आउटर मोस्ट लेयर पर जिंक रॉड के, वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होकर आइंस में कन्वर्ट होंगे और वो जिंक प्लस टू आइंस होंगे। तो हमने प्लस टू से एक्चुअली जिंक प्लस टू आइंस को डिनोट किया। अभी ये सिस्टम में डिफ्यूज होना नहीं शुरू हुए, अभी सिस्टम में जिंक की एक्सेस होना शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जिंक रॉड के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, द डिफ्यूजन इज येट टू हैपन। अब उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि इसी रॉड पर हमारे पास यहां पर मौजूद लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सॉल्यूशन में मौजूद अभी अभी सॉल्यूशन में न्यूली एंटर्ड जिंक आयंस होंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ जिंक पे हैं और सॉल्यूशन के अंदर जो एक्सेस जिंक आयंस हैं जो अभी अभी एक्सेस में आए हैं, ठीक है, सम ऑफ दीज कैट आयंस नियर द सरफेस ऑफ जिंक आर अट्रैक्टेड टू इट्स सरफेस, वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक,
तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो जाती है, एक बिल्डअप ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो आयंस, न्यूली फॉर्म्ड आयंस हैं, उन्हें भी फौरी तौर पर दूर नहीं जाने दे रहे होते। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो होती है, ये एक बिल्डअप होता है चार्ज का, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज बिटवीन मेटल और मेटल आयंस के एक छोटी सी, बहुत माइनर सी वोल्टेज जो है वो स्टार्ट कर देता है। मैं कह रहा था बाउंड्री से हट कर मैं आपको एक एडवांस बात बताऊंगा, एडवांस बात बता चलूं, हमारे पास ये जो डबल लेयर फॉर्म होती है, इसे हम मेजर करने की कोशिश कर चुके हुए हैं साइंस में, और इसे सक्सेसफुली मेजर भी कर चुके हुए हैं मुख्तलिफ आयंस के लिए। और बताता चलूं कि ये हमारे पास एक छोटी सी जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, जिसके लिए हमने यहाँ पर बिल्डअप ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्ड यूज किया है, तो इसको हमने मिलीवोल्ट्स में मेजर किया हुआ है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन ये जो डबल लेयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, ये हमारे पास इसके अंदर इफेक्टिव है। अब इस डबल लेयर का पर्पस क्या है, इस डबल लेयर सारी को हमने पढ़ाया क्यों, इसका पर्पस अभी भी इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में है। हम ये सोचते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स जो होते हैं वो हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेशन हो जाती है डबल लेयर की, ठीक है, और एलिमेंट प्लेस किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ उसके आयंस में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी भी एक बात है जो क्लियर होना जरूरी है, क्यों, आप ये सोचते हैं कि हम जैसे ही ऑक्सीडाइजेशन होगी, हमने चूंकि सेल्स को इस तरह से पढ़ा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ने आउटर सर्किट से ट्रेवल करना होता है और उसने ऑल द वे टू अदर साइड जाना होता है, राइट, हमने ऐसे ही पढ़ा होता है ना जी सर। हाँ, हम ये सोचते हैं कि ये प्रोसेस फौरन हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर के आउटर सर्किट से मूव करेंगे तो ही हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एब्सोल्यूट वो मेजर कर सकेंगे। लेकिन डबल लेयर ने क्या किया, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दीज कैटायंस, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्टे कर गए, फौरी तौर पर बाहर से मूव नहीं किए। अगर मूव करते तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक फाइंड आउट होती, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके यहाँ पे स्टॉप करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और कुछ नहीं जा सकेंगे, तो ऑफकोर्स जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू है वो जितनी होनी चाहिए उतनी मेजर नहीं होगी, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट से पास नहीं कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इज कंसिडर्ड कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को रोकता है, उसके रास्ते में रुकावट है एक तरह की, ठीक जी। जी सर, मैं कहना चाह रही थी कि ये फिर एक तरह का रेजिस्टेंस हो गई ना। रेजिस्टेंस व्हाट, अगर तो आप फिजिक्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रही हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन टू इट्स ओन फ्लो, ठीक है, रेजिस्टेंस के हिसाब से हम नहीं कह सकते, ठीक है, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेजिस्टेंस में बहुत सारे फैक्टर्स फिजिक्स में ऐसे आते हैं जो इस वक्त केमिस्ट्री में अप्लाई ही नहीं हो रहे। एक्चुअली ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से ठहरे हैं, ना कि उन्हें अपने फ्लो में रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इस वक्त एक आउटसाइड फैक्टर है, एक इनसाइड फैक्टर नहीं। रेजिस्टेंस जो है वो इनसाइड फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दैट्स व्हाई जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो कैसे कैलकुलेट। That's why हम ये कहते हैं कि हम जो है ना इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। हम यही बात कर रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की फॉर्मेशन की वजह से ही नहीं कर सकते। तो हम ये करते हैं कि जब तक एक सिंगल सेल को किसी और सेल के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, आप उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसी वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया, इसी वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। याद रखिए, अकेले जिंक का अगर बीकर, जिंक रॉड और जिंक सॉल्यूशन होंगे तो आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसी जिंक बीकर को उठाकर शी के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे
तो आप ई नॉट वैल्यू दे सकते हैं, और वो ई नॉट वैल्यू भी तब दे सकते हैं जब आपने ई नॉट की सारी जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो पूरी की हैं। उसमें कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन जैसा कि डायग्राम में सामने 1 mole/dm³ के हिसाब से आ रही है सॉल्यूशंस के लिए वो भी है, उसमें गैसेस के लिए 1 atm प्रेशर की कंडीशन भी है, उसमें इट्सेल्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होने की भी कंडीशन है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस, और नॉट टू फॉरगेट टेम्परेचर 298 केल्विन की कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है। 4 कंडीशंस हमने इस बुक में, इस चैप्टर में अगले 1-2 पेजेस पे ही पढ़ी हुई है, वो चारों पूरी होंगी कंडीशंस तो फिर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी। क्यों? क्योंकि सिंगल में डबल लेयर फॉर्मेशन है नहीं होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इसे किसी सेल से कनेक्ट करना जरूरी है। अब सेल से कनेक्ट करने में होता क्या है? सेल से कनेक्ट करने में एक्चुअली डबल लेयर फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है। जी। नहीं नहीं, ब्रिज की बात नहीं है। देखें ब्रिज, हाँ ब्रिज हेल्पफुल है, लेकिन ब्रिज से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर इस साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और हम इसे किसी ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो दूसरी साइड पे रिडक्शन कर रहा होगा, तो इस साइड पे इसके अपने इतने आयंस नहीं बनेंगे जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में अट्रैक्शन कर सकें, जितने ज्यादा आयंस दूसरी साइड पे रिडक्शन के लिए रेडी होंगे जो कि अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, मसलन मैंने अभी आपकी टीम्स बनानी है। इस वक्त क्लास में 3 स्टूडेंट्स मौजूद है, एक तरफ अली है, एक तरफ कुजैमा, एक तरफ रोमा है। ठीक है, और मैंने ये कहा है रोमा को कि रोमा हम थर्ड टीम नहीं बना सकते, हमारे पास टीम सिर्फ 2 ही होंगी, तो आपको सिलेक्ट कर ले। लेट्स सपोज इट्स अबाउट अ स्पोर्ट, हम किसी स्पोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो कैप्टन, लेट्स सपोज अली और कुजैमा को अपने कैप्टन रखना है, रोमा एक पिकिंग प्लेयर है, तो वो वाला कैप्टन जो होगा जिसे लगता हुआ कि रोमा मेरी टीम के लिए अच्छी हो सकती है, वो पिक करेगा। ठीक है, अगर उन्होंने पिक करना हो, अगर रोमा ने पिक करना हो तो रोमा उस टीम को पिक करना चाहेंगी जहां पर इनके जीतने का चांस ज्यादा होगा। अब सोचें इलेक्ट्रॉन्स को रोमा की जगह पर रखकर, इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पे उन्हें ज्यादा अच्छी विनिंग साइड मिलेगी। जहां पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो रही होती है, याद रखें उस तरफ अट्रैक्टिव आयंस कम होते हैं, जिस तरफ रिडक्शन के लिए इन्होंने जाना होता है उस तरफ अट्रैक्टिव आयंस ज्यादा होते हैं। कैसे? इसका फर्क भी समझ ले, मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करने जा रहा हूं। किस तरह से? यहाँ पर जो अट्रैक्टिव आयंस बनते हैं वो सिर्फ उस आउटर मोस्ट लेयर के होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद बन रहे होते हैं, इनकी अमाउंट कम है। दूसरी तरफ हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो उन तमाम आयंस का होता है जो कि सारे के सारे रिडक्शन के लिए रेडी होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद नहीं, किसी रिएक्शन के बाद नहीं, पहले से रेडी होते हैं रिडक्शन के लिए। तो एक्चुअली 1 mole/dm³ अगर कॉपर जिंक के साथ कनेक्ट किया गया है तो 1 mole/dm³ कॉपर आयंस की तादाद यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने वाले जिंक आयंस की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स के लिए उस तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा और इस तरफ कम है, तो वो डबल लेयर फॉर्मेशन को, ऑल्दो ये नहीं कह रहा डबल लेयर फॉर्म नहीं होगी, डबल लेयर उस सूरत में भी बनती है, लेकिन उस सूरत में चूंकि दूसरी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो डबल लेयर की फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से एक कनेक्टेड सेल में बहुत कम होती है, लिहाजा उस तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, वो आपके लेवल पे ये पूरा कॉन्सेप्ट इस बुक में क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन आपके लिए इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको इस स्टेप पे और इवन इससे अगले स्टेप्स पे जहाँ आप इससे ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, आई डोंट नो इंजीनियरिंग में ज्यादातर इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का एक और आगे भी कोर्स होता है तो आपको ये चीज आसान रहेगी, और आई होप इमेजिनेशन में भी अब ये बात ज्यादा अच्छी समझ आती हो। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं नहीं सर, काफी अच्छा।